मैच का जिक्र कर रहे थे तो मुझे एक और संघ परिवार का टेनिस मैच से दूर का कनेक्शन ध्यान आ गया। किस तरह से महंत दिग्विजय नाथ टेनिस खेला करते थे और टेनिस खेलते हुए उनकी दोस्ती उस व्यक्ति से हुई जो 1949 में फैजाबाद के डीएम थे। जी, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था। अरे वाह, मुझे ये पता ही नहीं था। और उसी दोस्ती का लोग कहते हैं फल निकला जब वो 22 दिसंबर को वहां पर मूर्तियां प्रकट हुई, रखी गई, और फिर उसके आगे की कहानी। अच्छा ये बताइए, मुझे ये पता ही नहीं था। दिग्विजय नाथ, सबसे आश्चर्य है कि जो महंत थे वो टेनिस खेलते थे, ये तो सबसे हाँ, आश्चर्य। जो वो आईसीएस ऑफिसर, आईसीएस ऑफिसर थे, डीएम थे, वो टेनिस खेलते, हाँ उसमें नैयर साहब ज्यादा थे वो आश्चर्य डीएम। नहीं। हाँ। ये धीरज नैयर की किताब है, अच्छा, मुझे उसमें पता नहीं इस था। प्रसंग का जिक्र है। अच्छा। जी, तो ये बताइए कि जैसे वाजपेयी साहब बोलने में अच्छे थे, संसद में आ गए, संसद में उनकी ट्रेनिंग हुई, लेकिन 60 के दशक में एक दौर आता है। 1962 में वो चुनाव हार जाते हैं बलरामपुर से सुभद्रा जोशी के सामने। सुभद्रा जोशी को खास तौर पर दिल्ली से भेजा गया बलरामपुर, और फिर वो राज्यसभा में आ जाते हैं। लेकिन तब वाजपेयी के निजी जीवन को लेकर संघ बहुत सहज नहीं था। अभी दीनदयाल उपाध्याय मौजूद थे संघ के व्यक्ति के रूप में, महासचिव के रूप में, और फिर आगे चलकर वो अध्यक्ष भी बनते हैं बलराज मधोक के बाद। ये असहजता का क्या किस्सा है मिसेस कॉल को लेके? ये आपकी किताब से मुझे पता चला कि गुरु गोलवलकर ने उसमें दखल दिया, दत्तोपन्त ठेंगड़ी मौजूद थे, उनको कम्युनिकेट किया गया। क्या था ये पूरा मैटर? हाँ। तो ये 1962 की बात है, बट कहानी की शुरुआत 1941 में होती है, विक्टोरिया जब कॉलेज। भी बिल्कुल जब वाजपेयी जी 17 साल के थे या 16 साल के थे, और वो विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में पढ़ रहे थे, और बस फ्रंट बेंच में एक बहुत सुंदर महिला, वही 17 या 16 साल की थी, उनका नाम तब था राजकुमारी हक्सर। वो कश्मीरी पंडित थी, उनके पिताजी भी मेरे ख्याल से ग्वालियर के एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, बट वो उज्जैन अंग्रेजी के रहने बोलती वाले थी। थे। हाँ, वो काफी पढ़ी लिखी थी, और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो इंदिरा गांधी की सेकंड कजन थी, वो जी कमला नेहरू से, हाँ, हाँ कमला, तो वो नेहरूवियन जो कहते हैं, वो खुद नेहरूवियन थी, ठीक है। और वो एक तो सेकंड मैं आपको टोकूंगा, मैंने थोड़ा किताब के ऑथर के बारे में गलत बता दिया। वो धीरज नैयर नहीं, धीरेंद्र के झा की किताब है। कृष्णा झा एंड धीरेंद्र के झा, धीरज नैयर से जर्नलिस्ट। जी जी अच्छा। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये 1941 की बात है। मेरे ख्याल से प्यार वार बहुत कम, अफेयर तो नहीं हुआ है, बट वो दोनों अपने आप को चाहते थे, जैसे कि 16 वर्ष के लोग, लड़का लड़की अपने आप को चाहते हैं। कुछ हुआ ही नहीं और वो खत्म हो गई तब, ठीक है। फिर 1957 में जब वाजपेयी एमपी बने बलरामपुर से, दिल्ली में थे, उनके पास बड़ा बंगला भी आया था, और वो रामजस कॉलेज गए भाषण देने के लिए, क्योंकि एबीवीपी के कोई लड़के वहां पे थे, उन्होंने इनको इनवाइट किया, तो वाजपेयी रामजस कॉलेज दिल्ली में गए भाषण देने के लिए, और उन्होंने ये देखा कि रामजस कॉलेज का एक प्रोफेसर, उनका नाम था बीएन कॉल, ठीक है, और उनकी बीवी का नाम, अब तब तो राजकुमारी हक्सर था, अब राजकुमारी कौल बन गया, और दोस्ती तब से एक और बार शुरू हो गई, ठीक है। और 5-6 साल बाद वो साथ, वो एक दूसरे के घर में भी रहने लगे, और फिर 10-15 साल बाद वो साथ साथ वो रहे, ठीक है। मैं कैसे करूं, आई डोंट वॉन्ट टू से दिस इन अ सलेशियस वे, ठीक है। प्रेम तो प्रेम है, तो हम क्यों निंदा करें उसकी, ठीक है। वो लोग, सब लोग वहां पे तो ठीक थे, तो हम क्यों बोले, क्योंकि ये काफी बिल्कुल सेंसिटिव है, ये काफी यस सेंसिटिव बात है। तो मैंने बहुत सोचा कि कैसे लिखूं, और मैं ये दिखाना चाहता था कि ये नहीं कि वाजपेयी एक विवाहित महिला से उन्होंने प्रेम किया वगैरह वगैरह, वो किसी और की बात। मेन पॉइंट ये है कि राजकुमारी कौल एक बहुत शक्तिशाली औरत थी, बहुत पढ़ी लिखी औरत थी, ठीक है, और वो लिबरल थी, और वो हिंदू राष्ट्रवाद से उनका बिल्कुल सहमति नहीं थी, ठीक है। और मैंने ये भी दिखाया है कि अयोध्या, जब वाजपेयी तो अयोध्या आंदोलन से वो दूर थे, और इसका एक मुख्य कारण था राजकुमारी कौल। 1962 में आरएसएस, तो उनको पता था राजकुमारी कौल के बारे में कि वो लोग साथ साथ रह रहे हैं, फलाना फलाना, तो फिर गोलवलकर ने एक मीटिंग बुलाया, और ये मीटिंग का दो कारण था। एक था कि ये तो जनसंघ और आरएसएस के चरित्र के लिए ये ठीक नहीं है,
ये एक कारण है। और दूसरा और महत्वपूर्ण कारण ये था कि राजकुमारी कौल एक लिबरल थी, वो हिंदू राष्ट्रवाद की उनकी विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद की नहीं थी, तो इसीलिए गोलवलकर ने वाजपेयी जी को कहा था कि आप ये रिश्ते को तोड़ दो, ठीक है। पर मैं ये भी दिखाता हूं कि आरएसएस के और भी वरिष्ठ नेता थे। एक तो एक कहा कि भाई तुम शादी कर लो, तो राजकुमारी कौल अपने बीएन कौल से डिवोर्स करके वाजपेयी से शादी करें, ठीक है। और एक और ने कहा, ये तो नानाजी देशमुख थे, जो वो तो मैच मेकर थे। मैंने किसी ने मुझे कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा और उसकी बीवी का मैच मेकिंग नानाजी ने ही किया है, मैंने ये वेरीफाई नहीं किया है, बस मैं ऐसे कह रहा हूँ, बट किसी ने मुझे ये भी कहा था। और मेरे ख्याल से बाला साहेब देवरस ने कहा, नहीं, अगर किसी को पता नहीं, किसी को इतराज नहीं है, तो हम इसके बारे में क्यों बात करें, ठीक है। ये तो किसी की निजी निजी जीवन है। जो हाँ, ये तो अगर वो व्यक्तिगत रूप में किसी से प्रेम करे तो ये संगठन इस पे का क्या लेना देना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तब भी हम कहते हैं कि आरएसएस बहुत ट्रेडिशनल है, ऐसी बात नहीं है। गोलवलकर ट्रेडिशनल थे, ठीक है, बट वहां पे बहुत से ऐसे भी। और आप ये देखिएगा कि आरएसएस खुद लोग शादी नहीं करते हैं, खुद किसी और परिवार के साथ रहते हैं। तो वाजपेयी ने बहुत गलती थोड़ी की है, वो भी नॉन ट्रेडिशनल थे, आरएसएस भी नॉन ट्रेडिशनल है। और मेन पॉइंट यह है सौरभ, कि वाजपेयी ने इनकार कर दिया, वाजपेयी ने ही स्टूड हिज ग्राउंड, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये तोड़ना नहीं चाहता हूं। और ये गोलवलकर ने फिर अब डिसाइड कर दिया कि वो तो वाजपेयी को खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबसे, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे अहम अव्वल नंबर के राजनीतिक जो प्रवक्ता हैं वो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और गोलवलकर को ये पता है, इसीलिए वो चुपचाप रहे। बट तब से आरएसएस और वाजपेयी के बीच में जो टेंशन था, तब से वो शुरू हुआ। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एक अटल बिहारी वाजपेयी किशोर स्वयंसेवक के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो गाते हैं हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। एक अटल बिहारी वाजपेयी हमारे सामने आते हैं जो नेहरूवियन मॉडल जिसको हम कहते हैं, उससे दीक्षा पाते हैं कि अपने विचारों को संसदीय परंपराओं के फ्रेम में कैसे फिट किया जाए।